यहाँ पे फुल गहमा गहमी लगी है और इनका सिस्टम बड़ा मजे का कि इन्होंने एक बड़ा सा पतीला रखा है और उसके अंदर गर्म पानी रखा हुआ है और उसके अंदर दूसरा पतीला रखते हैं ताकि चावल जो है वो नीचे भी ना लगे और मजेदार किस्म के चावल जो है ना वो बनते रहे। हमारे साथ यहाँ पे सुल्तान भाई मौजूद है जो सबसे पुराने वर्कर है, उनसे जरा आप जानते हैं यहाँ की स्टोरी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे भाई ने तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो चुके हैं जी भाई। और बताया जाता है कि ये पॉइंट बहुत छोटे लेवल से ऊपर आया और अब ब्रांड बन चुका है, ऐसे ही है? बिल्कुल भाई। कैसे शुरू हुआ था ये? माशाल्लाह वहाँ से किले की रेड पे लगाते थे, रेडी से किले की रेड पे आए हैं, वहाँ से फिर हम यहाँ आए हैं। अल्लाह का शुक्र है। आप उधर से यहाँ आए? जी मैं उधर से ही। अच्छा, मतलब सबसे पुराने बंदे आप ही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे चिकन बन रहा है? चिकन पुलाव है, बीफ पुलाव भी हमारे पास, शामी भी है, रोस्ट पीस भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा काम है। अच्छा, तो ये सब और हमने मेहनत करी है सात सेठों के साथ मिलकर। ये तो बिल्कुल जी मेहनत की है इन्होंने और आज इसी वजह से यहाँ पे रश गहमा गहमी और अल्लाह ताला इंसान को उसकी मेहनत का फल बिल्कुल देता है। अच्छा, यहाँ पे ये सारा तैयार होता है? जी जी, वो कारखाना लहदा बनाया हुआ। अच्छा, कारखाने से तैयार हो गया? जी जी। तो कितनी देर पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है भाई? साथ साथ चलता रहते, जैसे घाक चलते हैं साथ साथ चलते रहते, देखते रहते, साथ साथ जो है वो चलता रहता। जी जी। तो कितने पतीले जो है एक दिन में यहाँ पे सेल आउट होते हैं? माशाल्लाह काफी अच्छा काम है। रनिंग में चलते रहते हैं, जैसे गाग आते रहते हैं, बनाते रहते हैं, काफी अच्छा काम है माशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, क्या चीज स्पेशल है यहाँ की, क्या लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं भाई? ज्यादातर तो हमारे चिकन चावल। अच्छा। शामी, मतलब सारा कुछ अच्छा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ही अच्छा है। अच्छा, क्या 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 मसाले डालते हैं? मसाले माजिद अच्छे मसाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, दही भी डालते हैं, सारा कुछ होता है। अच्छा, मतलब आपने पूरी रेसिपी नहीं बतानी? पूरी रेसिपी? ओहो, जैसे वो तो पूरी रेसिपी है भाई। अच्छा, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्चे हैं, गरम मसाला है और उसके अलावा हरी मिर्चे हैं, टमाटर हैं, दही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो। ये तोल के लेते हैं वजन के हिसाब से? जी जी। किस तरह है ये चावल? 180 रुपए की प्लेट है। 180 की है ये? कितने है, वेट कितना होगा इसका? ये पाव से ज्यादा ही देते हैं, वैसे तो पाव कहते हैं, ज्यादा ही देते हैं। पाव से ज्यादा ही होता है 180 में, और ये साथ वाली भी वही है? जी जी, 180। एक बंदा इसको इजीली जो है अल्हम्दुलिल्लाह। और शामी अगर साथ में इसके? शामी 60 रुपए की अलहदा से। अच्छा, 60 रुपए की शामी अलहदा से है, वो कौन सी है, दाल और चिकन? ये बीफ की है हमारे पास। अच्छा, बीफ की शामी है। चलिए जी, यहाँ पर चिकन चावलों का सीन तो मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पर सामने बीफ का जो सीन है वो आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। यहाँ पर बीफ जो है वो प्लाओ तैयार किया जाता है और यहाँ पे गहमा गहमी लगी हुई है, लोग आ रहे हैं पैक करवा रहे हैं और ये भी किलो के हिसाब से यहाँ पे तोला जा रहा है। इनसे बात करते हैं, रेसिपी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है, अल्लाह के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो चुके हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर जो बीफ प्लाओ है किस तरह से तैयार होता है, क्या क्या डलता है? यखनी में बनता है। यखनी में बनता है? और किस तरह है यहाँ पे किलो? ये किलो 800 रुपए किलो है। 800 रुपए किलो है। और एक प्लेट जो है वो पाव होती है? जी, पाव भी है, 1.5 पाव भी है। अच्छा, 200 रुपए पाव ये है, 1.5 पाव। आप अगर देखें ना तो क्या मजेदार किस्म की जो है ना, इसमें से खुशबू आ रही है। 1.5 पाव है। और इसमें अगर शामी भी 60 डाले? हाँ जी, वो 60 रुपए की एक है। वो 60 रुपए की है। हाँ जी। इसमें जो है वो बोटियों का क्या हिसाब किताब है, कितना प्लेट में आती है? बड़ी प्लेट में तकरीबन 6-7 बोटियां होती हैं। अच्छा, छोटी में 4-5 होती है। ये छोटी 4-5 होती है। गहमा गहमी जो इस टाइम जो है ना फुल लगी हुई है, लोग आ रहे हैं। ये बड़ी प्लेट है, ये छोटी प्लेट। अच्छा, ये बड़ी है जी और ये छोटी है, ये कितने की है? ये हो गई अब 360 रुपए की। ये होगी 360 की और ये 260। ये होगी 260 की। तो चले आइए आगे चलते हैं, आपको और गहमा गहमी दिखाते हैं। तो भाई जान, यहाँ की जो शामियाँ जो है ना वो भी बहुत ज्यादा मशहूर है, लोग पुलाव के साथ बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सही बना रहा हूँ भाई जान? हाँ जी बिल्कुल। चले जी, मैंने कहा जरा मैं भी साथ इनकी हेल्प करवा देता हूँ। तो इनसे जरा जानते हैं कि यहाँ की शामी इतनी स्पेशल क्यों है? ये खास चीज है, बहुत खास होता है। साफ सुथरी है? साफ सुथरी होती है। कितने अर्से से आप यहाँ? 20 साल से। 20 साल से, माशाल्लाह जी। ये भी इनके पुराने वर्कर हैं, इन्हें भी 20 साल हो गए हैं। मुझे बताएं कौन कौन से मसाले जो है इसमें डल रहे हैं? ये बड़े सेठ को पता होता है कहाँ से मंगवाता है। यार इनकी जो टिक्की है ना, मैंने बहुत सुना है कि बहुत कमाल की है, जायका बहुत लाजवाब है और रश यहाँ पे लगा रहता है चावलों के साथ टिक्की खाने का, तो एक वैसे ही मजा आ जाता है। 60 रुपए की है? हाँ जी 60 की है। क्या क्या डला हुआ इसमें? बड़े का गोश्त और दाल है। चने की दाल है, गोश्त है। मसाले कोई बताएं यार कौन कौन से हैं, बता दें कोई? नहीं पता नहीं है।
नहीं पता, पक्की बात है। चलें जी, इनको भी मसाले जो है वो नहीं पता, बिल्कुल जो है वो सीक्रेट है, इनकी रेसिपी है। तो मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं, ज़रा खुद भी टेस्ट करते हैं। लोगों से तो बहुत तारीफ़ें सुननी है, जब तक मैं खुद नहीं खाऊंगा भाई मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है? आप लोग भी आके ट्राई कीजिएगा। तो आइए ज़रा मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ।